ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से नाराज हैं। देश में 90 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बसें नहीं चल रही, 50 लाख बसों का परिचालन रुक गया है। राजस्थान पर भी इसका असर है, 6,38,000 ट्रक और ट्रॉले सड़कों पर नहीं कतारों में हैं, सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एक तो गाड़ियों का इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है, दूसरी बात गाड़ियों किराया भाड़ा बहुत कम मिलता है और ओवरलोड की ज्यादा शिकायत है। ट्रक ऑपरेटरों ने सरकार को चेतावनी दी थी, 20 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार नहीं चेती। खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, रोजाना 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, असर आम जन पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, रोजमर्रा की चीजों पर दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी बेसुध है। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे, ठीक से कोई सोकर भी नहीं उठा था। ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी हड़ताल खत्म नहीं होगी। ट्रक ऑपरेटरों की मांग है, डीजल कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, टोल सिस्टम को भी बदला जाए, एजेंट्स को मिलने वाला अतिरिक्त कमीशन खत्म किया जाए, प्रोजेक्टिव इनकम के तहत लगने वाला टीडीएस को बंद किया जाए, ईवे बिल में संशोधन हो। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से अजमेर में 2000 ट्रकों का चक्का जाम है, अकेले अजमेर में ही रोजाना 1,000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। सरकार ने ऑपरेटरों को मनाने का प्रयास भी किया था, कुछ रियायतें सरकार ने भी दी थी, लेकिन बात नहीं बनी और हड़ताल शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इनाडो इंडिया।